बैक टू अवर अनदर व्लॉग। और आज है हमारे दोस्त की सगाई और हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, देखो सामान लेके, सामान भी हमें लेके जाना पड़ रहा है और ये मुझे उठाने के लिए 5 बजे से लेके अभी 7 बजे आया है। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं, फिर आपको जाके व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए तो गाइस मेरी हमारी लोकेशन ये आ भी गई। अरे ये रही हमारी ब्राइड। अरे वाह, एक एक्सटेंशन भी तो दिखाया तूने, करवाया लिंक। अरे यार देखा, ये रूम में चले गए हैं। मैं रूम ढूंढ रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर 101। ओ दरवाजा खोल बे, आ फटाफट। हाय हाय, ये हमारा वेटर। एक ही मिनट में सब खत्म। चल तो गाइस हम रूम पे रूम पे पहुंच गए। गाइस ये सेंटर, ये पब्लिक को सेंटर से चिल्ला रहे हैं। इसकी जवान बहुत चल रही है तो लगा। क्या बोल रहा है, ठीक है तुझे बड़ी जल्दी हो रही। अब पता डालूंगा और क्या, पैंट थोड़ी डालेगा तो हाथी। ठीक है, हाँ। थोड़ी देर बाद तू फेमस हो गया क्या कह रहा है? थोड़ी देर बाद मेरी वॉच और मेरी वो क्या ब्रेसलेट। भाई लड़के की सगाई हो रही है और इसने नौकर बना दिया सबको। रुको जरा, सबर करो। तो हम सब लोग आ चुके हैं, ये फिर मेरे पीछे पोज दे रहे हैं और मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। तो गाइस देखो मैं अबे तो आगे कर क्या रहे थे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उठा भाई, चलो दोनों लोगों काम पे। काम पे छोड़ना है भाई, मेरे भाई की, मेरे भाई की सगाई है, अच्छे से करो सारा काम। सही है भाई। तुम्हें 500 रुपए दिए जाएंगे। तुम्हें इसके 500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है ना? मैं खुला पैसा खर्च करूंगी। चलो खुला पैसा खर्च करूंगी। 500 रुपए पहले फट रही है सच में। नहीं है यार, हल्का है यार। तो लेफ्ट पकड़ दो। आजा गाइस, ये उठाएगी, बताएगी है, हल्का है। नहीं, मेरे हाथ में वैसे दर्द है यार ऐसे। नहीं उठ नहीं रहा। तेरी दुल्हन कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। आज रिग्रेट हो रहा है ना, आज अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छा है ये लड़की चुनी है ना, है ना? कल सुबह फिर वही लगेगा क्या? मैं कब उतर जाएगा जब कल सुबह की कभी ना। ठीक है ठीक है। बेटे तुम बहुत शातिर हो रहे हो। इन्होंने पूरा कमरा फैला रखा, देखो बेइज्जती हो रही बेचारे की, बेइज्जती। मैं तो आपको जानती भी नहीं भैया। लेकिन मैंने देखा ना, मनीष ने मुझे बताया, लेकिन बहुत बढ़िया हो। थैंक यू सो मच भैया। इस समय इतनी क्रिएटिव भी है तो आगे चलकर बहुत बढ़िया हो। अच्छा हां, तो देख रहे भी तारीफ हो रही है। तो देखो भैया पूरी सेटिंग कर रहे हैं ना, और बिल्कुल अब हमारी अच्छी अच्छी फोटो आएंगी, क्या पता मिल भी जाए, वरना कभी मिलती नहीं है। ऐसे ही होता है, हमें कभी फोटो नहीं मिलती भैया, और मांगनी पड़ती फिर 10-10 बार। और फिर गाइस ये है रूम नंबर 103, नहीं 203। 103 है यार वो, उसमें वो लाइटिंग पड़ रही है। अंदर जाते हैं ना, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। 103 मैंने कहा 203। चल चल अंदर चलते हैं। अरे लोग यहाँ ठूस रहे हैं भयंकर। तुम ये कौन सा खाना खा रहे हो, तेरा व्रत नहीं है? ये मेरा व्रत वाला खाना है ना, यार ये सही है। और ये लोग यहाँ चिलिंग पिलिंग कर रहे हैं।
हमारी ब्राइट फाउंडर लग गई है पहले वो बाल बनाना फिर मैंने ये क्राउन पर लेंस लगा के बहुत हां लेंस लगा के बहुत अच्छी लग रही है हां ना उसी तरह ना वो अभी मिस यूनिवर्स बनी ना हां हर्ली पोज देने वाले लोग ऐसे करते धीरे धीरे फिर साथ में खाते भी फिर साथ में खाते वीडियो में आना यार वीडियो में खाते हुए कोई नहीं आया बाहर ये ना हम फोटो खिंचवा रहे हैं गाइस इट्स ऑलमोस्ट 8 क्या करके आ रहे हैं चाहता क्या देखो ये ना इसका फोटो शूट चल रहा तो गाइस ये देखो भैया बड़े खुश हो रहे हमारा कैमरामैन फिर से एक बार अपनी दुल्हन की फोटो खींचते हुए क्या है अरे वो मतलब काम में भी कुछ जो दिए इनके ओके गाइस तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि टाइम कितना है टाइम हो चुका है टाइम भाई डीजे बंद होने वाला है 8:30 बज चुके हैं और कुछ हम लोगों ने ना डांस किया ना कुछ किया और ये देखना मतलब कुछ खत्म होने पे ही आ रहा है यहाँ देखना कि कुछ कुछ खत्म नहीं होने पे आ रहा है तो हम लोग जा रहे हैं नीचे तो चलो अब यहाँ पे हो रही है दूल्हे की तिलक की रस्म जिसमें कि दूल्हे को तिलक लगाया जाता है सगाई से पहले मुझे एक छोटा सा बेबी भी दिखा तो मैंने एक इसकी छोटी सी क्लिप ले ली बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसका नाम मतलब इस छुई मुई की तरह है क्योंकि ये हाथ लगाने पे रोने लग जाती है फिर हमने चलो इसके बाद स्टार्ट होने वाली है गोद भराई की रस्म जिसमें कि लड़की की गोद भराई होती है वो भी सगाई से पहले होती है जिसमें सारे जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं जैसे कि थोड़ा सा मांग भरना थोड़ा सा श्रृंगार करना और गिफ्ट्स देना और सब कुछ ये चीज़ें होती हैं तो अब ये सारी की सारी तैयारियां यहाँ पर होंगी इस लड़के का गाइस हम कुछ नहीं कर सकते ये देखो ये इसकी पहली लुगाई है एंगेजमेंट हो रही है इसकी और ये इसकी दूसरी लुगाई होने जा रही है ये चल रही है गोद भराई की रस्म आज थोड़ा परमानेंट हो गया ऑफिशियली देखा शॉर्ट्स ये बेटे ये देखो ऑफिशियली आपको हो गए कर देंगे यहाँ भी आओ ये देखो ब्लॉग में भी है थोड़ा नीचे और ये हो गया एक बार ऐसे देखो हमारे कैमरा मेंबर कैसा फील हो रहा भाई आज लड़की मेरी हुई कह रहा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इनके बदले का हम बोलते हैं चलो इनके बदले का हम ये बोलते हैं ठीक है तुम यही रहोगे तुम बेबी के चरणों में रहोगे रिंग नहीं होगी देखो क्या हो गया 1 2 3 सब इसी में लगे पड़े ये भी 4 ये भी लगे
भाई कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा। हम बहुत बाहर गया वो तो बाहर गया वो हमारी दोस्त पर आई हो गई आ रहेगी तो यही है ना थोड़ी और पास आ गई बाहर गया वो बाहर बसर क्या तुम्हें मैंने हैं शर्मा क्यों रहा आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करती है लड़की सबके सामने की लज्जा आ जाती है हमको लज्जा आती है इनको इनको आती है लज्जा यार तू कैसे हमको इनको आती है लज्जा इन्होंने आशीष इनको आती है लज्जा इन्होंने नहीं ओके
ओके गाइस, मेरी एंगेजमेंट हो गई है। ये रे मेरे रिंग जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं मुझे हमारे भाई ने, तो गाइस हम आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बाय बाय। चलो बाय बोलो सारे। देखो सब बाय आ रहे, बाय ऐसे करके निकल जाए। हाँ जाओ बाय, खत्म खत्म करके निकल जाए। बाय बाय बाय, और चलो बाय करके निकलो। चलो 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 चलो, ये क्या है भाई? ये KGF भैया है। ये नहीं नहीं, ये KGF भैया है सच में, है ना? धूप में सुखाओ मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो। चलो भाई जी।